अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैं सैयद मुदस्सिर हसन लाहौर बाबला टाउन से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा कि जी आप पेट्रोल पंप्स के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसा हमें पेट्रोल पंप का हमें डेमो दें जिसमें ये पता चले कि पेट्रोल पंप्स किस तरह बनाए जाते हैं, उस पर क्या लागत और क्या कॉस्ट आती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं आउट ऑफ कंट्री, वर्ल्ड वाइड से मुझे कॉल्स आती हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग मुझे टच करते हैं पेट्रोल पंप्स के हवाले से। तो यकीनन जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता नहीं और ये काम करना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने उनके लिए ये एक छोटा सा डेमो मैंने तैयार किया है जिसमें मैं इंशाल्लाह भी आपको सारा गाइड करूँगा कि पेट्रोल पंप को हम किस तरह स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर ये ख़त्म होगा और इस पर क्या कॉस्ट आती है और उस वैल्यूज को इंशाल्लाह भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है हमारा जो डेमो है उसको आप देखें, उसको समझें, और अगर कोई आपको मसला कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको अपना डेमो जो है वो शो करता हूँ। मैं ये देखें, बेसिकली ये हमने इसको इस तरह तैयार किया है कि फिजिबिलिटी फॉर आर न्यू पेट्रोल पम्प, ठीक है। और इसका जो अंडर बजट हमने इसको दिया है वो तकरीबन 1,50,00,000, यानी कि 1.5 करोड़ के अंदर हम एक पेट्रोल पंप को इजीली हम तैयार कर सकते हैं। तो अब क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिनमें से गुजरकर हम इस प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे, उनको हम फर्दन फर्दन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 8 पॉइंट्स मैंने इसमें शॉर्ट लिस्ट की हैं जो मैं आपको तफसीलन आगे जाके बताऊँगा। सबसे पहले जी हमारे पास है बेसिक रिक्वायरमेंट, इसको हम अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर आते हैं जी बिल्डिंग स्ट्रक्चर या सिविल वर्क, फिर है जी कैनोपी, जनरेटर्स, सर्विस स्टेशन का इक्विपमेंट, डिस्पेंसर्स, अंडरग्राउंड टैंक्स और डिस्प्ले और साइन बोर्ड्स। अब हम चलते हैं इन तमाम चीज़ों को अलग अलग हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट में आती हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो पहला हमारा हेड था वो था जी बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट में अगर हम कोई भी पेट्रोल पंप बनाते हैं तो हमारे पास ये 4 से 5 चीज़ें का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कम से कम 2 कनाल का प्लॉट का हमारे पास एरिया होना चाहिए, 2 कनाल का प्लॉट हो, और वो प्लॉट आपका ज़ाती भी हो सकता है, और अगर जाती नहीं और अगर आपने किसी तीसरी पार्टी से या आपने गवर्नमेंट से आपने इसको ज़मीन को लीज़ किया हुआ है तो कम से कम 10 से 15 साल की लीज़ का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जी हम आते हैं जी कि इसका जो फ्रंट है, जो प्लॉट का 2 कनाल का प्लॉट है उसका फ्रंट कम से कम 100 फुट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर कमर्शियल अप्रूवल इसकी बहुत ज़रूरी है, और चौथे नंबर पर 150 से 200 फुट का फ्रंट होना चाहिए जो मेन रोड है, जो प्लॉट जिस रोड पर वाकया है उस रोड का फ्रंट 150 से 200 फुट होना चाहिए। और पांचवें नंबर पर है कि एटलीस्ट 10 गवर्नमेंट्स एनओसीस होंगे जिनको हम हासिल करेंगे, और इन तमाम का हासिल करना ज़रूरी है। अभी ये जो पांचवा पॉइंट है इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट डेमो आपको दूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि हमारे पास वो 10 कौन कौन से एनओसीज होंगे कि जिनके ऊपर हम काम कर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, क्योंकि इनमें से अगर एक एनओसी भी हमारे पास ड्रॉप हो गया या उसको हम नहीं करवा सके तो हमारे लिए हर्डल्स हमारे पास रहेगी उसके अंदर काम में। बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जी। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा था बिल्डिंग स्ट्रक्चर और सिविल वर्क। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप के लिए जो सिविल वर्क में जो ज़रूरत पेश आती है वो हमारे पास एक तो ऑफिसेज हमारे बनने हैं उसके अंदर, फिर हमारा वॉशरूम बनेगा, फिर हमारा जनरेटर रूम उसमें बनेगा, सर्विस स्टेशन है, टक शॉप है, टायर शॉप है, मॉस्क यानी मस्जिद। मस्जिद नॉर्मली 2 कनाल के अंदर तो नहीं बनती, लेकिन अगर 2 कनाल से ज़्यादा एरिया हमारे पास है 3 या 4 कनाल का तो उसके अंदर मस्जिद को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर टफ टाइल है जी, और बाउंड्री वॉल है, और फिर अंडरग्राउंड टैंक का स्ट्रक्चर है। अच्छा, विद कंक्रीट, ये कंक्रीट के साथ स्ट्रक्चर बनता है, ये इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ये इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज अभी मैं एंड पर, बिल्कुल पहले मैं आपको ये सारा बता दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर इन सब की हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, वो फिर हम एंड पर आपको मैं वो शो करूँगा कि हम किस तरह इसकी कॉस्ट निकालेंगे। बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी हमारे पास हो गया जी। आगे चलते हैं, आगे जाकर हमारे पास आता है जी कैनोपी।
कनोपी जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी पेट्रोल पंप के लिए, क्योंकि वो एक शेड की हैसियत रखता है और उसके नीचे हमारे डिस्पेंसर्स होते हैं, नीचे हमारी सर्विसेज चल रही होती हैं। तो कनोपी क्या जो है इस वक्त विद एलईडी लाइट्स के साथ कम से कम इसका जो एरिया है वो दो कनाल के ऊपर 2000 से लेकर 2200 स्क्वायर फुट इसका कनोपी का साइज़ होगा। और फिर आते हैं जी जनरेटर, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में लाइट के बहुत क्राइसिस हैं और ख़ासकर गर्मियों के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिजली का जो मसला है, तो इसलिए पेट्रोल पंप पर एक जनरेटर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर लाइट चली भी जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो दो कनाल के लिए नॉर्मली हमारे पास 25 या 32 केवी का एक जनरेटर होगा, लेकिन 25 केवी भी हमारी वो तमाम ज़रूरत पूरी कर देगा जो 32 केवी भी कर सकता है, लेकिन 25 केवी मेरे ख्याल से काफ़ी है। उसके बाद चलते हैं जी आगे, हम नेक्स्ट हमारे पास हेड है सर्विस स्टेशन इक्विपमेंट। सर्विस स्टेशन को बेसिकली पेट्रोल पंप पे रखने का मकसद ये होता है कि इससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही होती है। 3 से 4 पॉइंट होते हैं जहां से हम एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। सर्विस स्टेशन हो गया, ऑटो शॉप हो गई, टायर शॉप हो गई, और तीसरे चौथे नंबर पर हमारे पास गाड़ियों का अगर कोई हम शोरूम या वर्कशॉप अगर हम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल दो कनाल के अंदर हमारे पास सर्विस स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर हमारे पास जनाब कंप्रेसर होगा जो उसको चलाएगा, उसकी मशीनरी को 2 अपलिफ्ट मशीन्स हमारे पास होंगी और एक हाइड्रोलिक सिस्टम हम इसमें जनरेट करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ को आगे जाके भी हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या कॉस्ट आएगी। उसके बाद आते हैं जी हम डिस्पेंसर की तरफ। जी डिस्पेंसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ज़ाहिर है हम पेट्रोल ना बेच सकते हैं ना इसके बगैर हमारा गुजारा है। तो एक पेट्रोल पंप पे अगर हम लाहौर शहर की बात करें, कराची की, इस्लामाबाद की, जहाँ पर ट्रैफिक व्हीकल बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मली पेट्रोल की सेल बहुत ज़्यादा होती है, डीजल की निस्बतन कम होती है। तो इस हवाले से हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 पेट्रोल पम्प डिस्पेंसर्स हमने रखे हैं और एक हमने डीजल का डिस्पेंसर रखा हुआ है। लेकिन दो कनाल के एरिए के अंदर हम एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास होगी, वो वक्त के साथ साथ हम चाहें तो हम एक पेट्रोल का डिस्पेंसर या डीजल का ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद आते हैं जी हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक्स। अंडरग्राउंड टैंक्स जो हैं वो हमारे पास 2 पेट्रोल के होंगे और एक डीजल का होगा, और ये तकरीबन 25,000 लीटर कैपेसिटी के हमारे पास होने चाहिए। ज़्यादा के भी हैं, 40,000 के भी हैं, लेकिन 25,000 का काफ़ी है। अगर हम पेट्रोल के 2 लगा लेंगे तो 50,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक रहेगा, और डीजल का जो वो 1 लगा लें तो काफ़ी है शहर के अंदर 25,000 लीटर का। और उसके बाद डिस्प्ले और साइन बोर्ड्स, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी का होगा, इसके अंदर हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जी जो अभी हमने डिस्कस की किसी भी पेट्रोल पम्प बनाने के लिए। यहाँ से एक रिव्यू कर लेते हैं इसको हम, कि जी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कनोपी, जनरेटर, सर्विस स्टेशन इक्विपमेंट्स, डिस्पेंसर्स, अंडरग्राउंड टैंक्स एंड डिस्प्ले और साइन बोर्ड्स। अब हम आते हैं अपनी कॉस्ट की तरफ। डेफिनेटली लोग ये तो तकरीबन सबको ही पता होता है इन बातों का, लेकिन कॉस्ट निकालना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है कि एक एक चीज़ की फर्दन हमें कॉस्ट निकालनी है, तब जाकर हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि एक नया पेट्रोल पंप बनाने में क्या कॉस्ट आती है। तो उसके लिए तो जिस तरह अभी बताया कि ज़मीन हमारे पास अपनी होगी, तो ज़मीन की कॉस्ट निकालने के बाद अब हम आते हैं पेट्रोल पम्प कॉस्ट के ऊपर। ये देखिए जी, ये हमने यहाँ पर इसकी कॉस्टिंग की हुई है। पेट्रोल पंप फिजिबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ फॉर 2 कनाल एरिया, 2 कनाल के लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हमने यहाँ पर निकाली हैं। अब मैं आपको जो पीछे हमने डिस्कस किया उसको मैं अब यहाँ पर अलग अलग आपके सामने मैं बोलूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देखें सिविल वर्क जो है, सिविल वर्क के ऊपर 2 कनाल के ऊपर हमारे पास तकरीबन, ये इसको मैं इस तरह यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, ये नहीं जी, ये हमारे पास हो गया हाईलाइट। इसको मैं यहाँ से इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। इसको ये मैंने इसको किया। अब हम आते हैं सिर्फ सिविल वर्क के ऊपर। ये नहीं जी, सिविल वर्क को मैंने यहाँ पर रेड जोन में लेकर आ गया मैं ताकि आप देखने में आसानी रहे। सिविल वर्क में जी 2 कनाल के ऊपर हमारे पास कम से कम 2000 से 2500 स्क्वायर फुट का एरिया हमारा जो है वो बिल्ड होगा, और 1350 रुपये इसकी मैंने फिनिशिंग कॉस्ट रखी है जो कि लगभग 33,75,000 रुपये बनती है। सेकंड नंबर पर आते हैं जी टफ टाइल के ऊपर, और टफ टाइल के ऊपर अगर हम आएँ तो तकरीबन 7,500 स्क्वायर फुट हमारी पैमाइश बनती है, क्योंकि 2 कनाल का टोटल एरिया जो है वो तकरीबन 9,000 स्क्वायर फुट बनेगा, जिसमें से 25 फुट पर हमारी सिविल वर्क हो गया, बाकी 7,500 स्क्वायर फुट जो होगा
उस पर तकरीबन 200 रुपये पर स्क्वेयर फुट के हिसाब से हमारी कास्ट या लागत आएगी जो कि तकरीबन 15 लाख रुपये बनती है, क्योंकि टफ टाइल बहुत ज़रूरी है, हैवी व्हीकल्स ने भी आना है, गाड़ियों ने आना है, 24 घंटे गाड़ियों की आमदोरफ्त है, तो जितनी ज़मीन आपके नीचे मजबूत होगी और उतना अच्छा उतना पायदार काम आपका होगा, आप उतना अर्सा उसको मतलब चला सकेंगे। फिर आ गया जी हमारे पास बाउंड्री वॉल। अच्छा जी, बाउंड्री वॉल के अंदर बेसिकली प्लॉट की 4 साइड्स होती हैं, फ्रंट हमारे पास तो ओपन है जहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट हमारी होगी, बैक पर हमारे जो होगा वो सिविल वर्क है, उसमें हमारे कमरे और ऑफिसेज वगैरह बने हुए, और राइट और लेफ्ट की 2 बाउंड्री वॉल्स को हमने बनाना होगा, तो वो कम से कम भी जो कनाल का जो प्लॉट होता है उसकी जो डेप्थ होती है 90 फुट होती है, तो इस तरह 6 से 7 फुट उसकी ऊंचाई, तो ये तकरीबन मेरी जो कॉस्टिंग मैंने निकाली है वो 1200 स्क्वेयर फुट के करीब बनेगी बाउंड्री वॉल, और तकरीबन 140 रुपये पर स्क्वेयर फुट के हिसाब से इसकी हमारी फिनिशिंग होगी जो कि तकरीबन 1,68,000 रुपये बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपना टैंक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की तरफ जी। अच्छा, ये वो चीज़ है जी कि अपना इसके ऊपर हम टैंक जब हम डंप करते हैं ज़मीन के अंदर, तो जाहिर है तो हमारे पास 3 टैंक हमने रखे हैं, देखें यहाँ पर ये 3 टैंक हमारे पास हैं, और इन तीनों टैंक को बकायदा इस पर कंक्रीट वॉल करके इसमें सैंड रेत साइडों पर इसकी भर के एक इस प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम इसको टैंक को एक ख़ास टेम्परेचर पर रखते हैं अंडरग्राउंड, तो इसके ऊपर तकरीबन लगभग 2.5 लाख रुपए की एक टैंक के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी अंडरग्राउंड करने के लिए, तो 3 की हमारे पास तकरीबन 7.5 लाख हो गई। फिर आता जी हम कनोपी की तरफ। हाँ जी, कनोपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो 2 कनाल के ऊपर कम से कम हमारे पास 2200 स्क्वेयर फुट की कनोपी हमें ज़रूरत इसकी रहेगी, और कनोपी जो है वो 500 रुपये से स्टार्ट होती है पर स्क्वेयर फुट, अब इसके बाद उसके मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, तो हमने एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए 700 रुपये की इसकी कॉस्ट रखी है, जिसमें LED लाइट के साथ जो होगा ये कनोपी हमारी जो होगी वो काम करेगी, और अगर 700 रुपये स्क्वेयर फुट के साथ हम इसकी वैल्यू निकालें तो 2200 स्क्वेयर फुट में हमारे पास तकरीबन 15,40,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग आएगी। फिर आते हैं जनरेटर की तरफ। जनरेटर आपको मैंने बताया था कि लाइट के बहुत इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, तो इस हवाले से जनरेटर का होना बहुत ज़रूरी है, तो 25 KV काफ़ी है हमारे लिए एक छोटे पंप दरमियाने दर्जे के पंप को चलाने के लिए, और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी करेगा 25 KV का, और इस वक्त एक अच्छा नया जनरेटर जो है वो 25 KV का 7.5 लाख रुपये की कॉस्ट में इस वक्त वो आ रहा है। आगे चलते जी कंप्रेसर। कंप्रेसर हो गया, इन चीज़ों को हम एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्रेसर, अपलिफ्ट मशीन्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारी काम आएंगी जब हमारा बनेगा सर्विस स्टेशन। ठीक है जी, तो सर्विस स्टेशन जब बनेगा तो उसके लिए ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो कंप्रेसर जो है हमारे पास एक हमने रखा है जिसकी कॉस्ट हमने तकरीबन 1.5 लाख रुपये रखी है, जो कि सर्विस स्टेशन के लिए ज़रूरी है अगर लाइट वगैरह जब नहीं होती तो। उसके बाद अपलिफ्ट मशीन है, कम से कम 2 हमारे पास होनी चाहिए अपलिफ्ट मशीन, और उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो ये एक मशीन जो है अपलिफ्ट की वो मैंने 1,25,000 की कॉस्ट रखी है, हाइड्रोलिक कंप्लीट सिस्टम जो वो 50,000 का हमने इसके अंदर रखा हुआ है। उसके बाद आते हैं जी हम डिस्पेंसर एंड पेट्रोल एंड डीजल की तरफ। तो डिस्पेंसर जो है वो 2 क्वालिटीज़ के इस वक्त हैं, एक तो चाइना इम्पोर्टेड है और एक जापानी है, तो नॉर्मली जापानी जो है वो फिलिपाइन मेड है, लेकिन जापानी इसको करके सेल करते हैं, और अच्छा हमने रखा हुआ है क्योंकि चाइना वाला जो है तकरीबन 4.5 से 4 लाख का भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि नया पंप है नई मशीनरीज़ हैं, तो कोशिश ये करें कि थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर लें ताकि चीज़ आपकी अच्छी लग जाए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग लाइफ इसको आप इस्तेमाल करें। तो ये 2 डिस्पेंसर्स हमने रखे हैं जी, पेट्रोल के 1 डीज़ल का, और 1 डिस्पेंसर की कॉस्ट लगभग तकरीबन 10.5 लाख रुपए के करीब है, तो ये करके हमारे पास तकरीबन 21 लाख के 2 डिस्पेंसर पेट्रोल के और 10.5 लाख का एक हमारा डीजल का हमारा आएगा। फिर आता है जी हमारे पास टैंक पेट्रोल एंड टैंक डीजल, जो स्टोरेज है हमारी, स्टोरेज की हम बात करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 होंगे, 2 25,000 लीटर के हमारे पास पेट्रोल के टैंक होंगे और 1 हमारे पास डीजल का होगा, तो तकरीबन जो 4 mm के साथ थिकनेस, 4 mm थिकनेस के साथ और माउथ थिकनेस इसकी तकरीबन 5 mm के साथ
ये हमें कॉस्ट करता है एक टैंक तकरीबन 3.5 लाख, सॉरी 4.25 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में। तो हमने एक अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू रखी है 4.5 लाख, 3,75,000 एक टैंक की। तो दो पेट्रोल के हमारे 7.5 में और एक डीजल का हमारा 3,75,000 में, ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाइए डिस्प्ले एंड साइन बोर्ड्स। इसके लिए हमने कंपनी को जो हमने देना होता है, जिस कंपनी से हम एग्रीमेंट कर रहे हैं नॉर्मली, उसके हमने तकरीबन 15 लाख रुपीज़ रखे हुए हैं कंपनी के। एंड अदर्स में हमने मिसलिनियस एक्सपेंसेस में तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने एनओसीज लेने हैं, गवर्नमेंट की फीसेस हमें देनी पड़ेंगी, और इसके अलावा और कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो बाद में नहीं पता चलता, तो इसलिए मिसलिनियस का हेड का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद फर्दन फर्दन ये देखें कितनी सारी चीज़ें हमारे पास, सिविल वर्क है, टफ टाइल है, बाउंड्री वॉल्स है, उसके बाद टैंक की कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है उसकी, और कनोपी है, जनरेटर है, अपलिफ्ट मशीन्स हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, उसके बाद टैंक्स हैं, फिर हमारे पास डिस्प्ले साइन बोर्ड्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने जब कैलकुलेट की तो ये हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू तकरीबन लगभग 1,50,00,000 रुपए। तो हम 1,50,00,000 के अंदर एक नया पंप, एक अच्छा जदीद पंप हम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये याद रखिएगा कि ज़मीन की कॉस्ट इसके अंदर शामिल नहीं है, ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ये है कि आप अगर किसी भी किस्म की कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरे दोस्त स्पेशली मुझे सऊदीया से, यूके से, कनाडा से मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि जी हम पाकिस्तान आ रहे हैं और हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम जो मैंने इस वक्त एक छोटा सा मुख्तसर सा एक बयान आपके सामने दिया डेमो की सूरत में, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आप जब भी इस कोई बिज़नेस करें, ख़ासकर ये पेट्रोलियम का या पेट्रोल पंप के हवाले से, तो अच्छी तरह सोच समझ कर इसके अंदर, अभी हमने एक चीज़ को ऐड नहीं किया, वो हमारा रनिंग फाइनेंस है। जाहिर है जब हम चीज़ को कोई चीज़ दुकान डालते हैं, उस बनाते हैं, तो उसमें चीज़ भी डालते हैं, तो रनिंग फाइनेंस हमारे पास पेट्रोल और डीजल और लुब्रिकेंट को परचेस करने की सूरत में होगा। लेकिन बहरहाल वो अभी ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि रनिंग फाइनेंस है, वो उसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हमारे खर्चों में नहीं है। तो ये जी एक मुख्तसर सा हमारे पास तारुफ था।